नमस्कार, आज हम बरेली के राम गंगानगर इलाके में हैं। यहाँ नदी के किनारे बहुत ही ज़्यादा तरबूज का खेती होता है, तरबूज और खीरे का। तो आज हम अपने एक फार्मर हैं महफूज भाई, उनके पास आए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रायल दिया था वाटरमेलन तरबूज खास का, तो आइए उसके बारे में कुछ जानकारी इनसे या उनका अनुभव साझा करते हैं। तो नमस्कार महफूज भाई। महफूज भाई, इसका आपने कब पौधा डाला था, कब बीज डाला था? 20 फरवरी को डाला था। इन्होंने 20 फरवरी को डाला था और आज 8 मई को लगभग, महफूज भाई ये कितने दिन से टूट रहा है आपका? ये 4-5 दिन से। 4-5 दिन, तो 8 मई के हिसाब से लगभग ये 75 दिन का रेडी हो गया। तो महफूज भाई, आपने जो सेमनीस का खास तरबूज ये डाला है, इसमें क्या विशेषता आपको लगी है? विशेषता ये लगी कि साइज इसका बढ़िया है और फिर ये कलर बढ़िया है। कलर बढ़िया, हाँ, लदान भी बढ़िया है। लदान साइज अच्छा है। साइज यानी उसका जो वजन है, कलर यानी रंग, और लदान यानी प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं अभी खाली इन्होंने कुछ ही पौधे से यहाँ वहाँ तक तोड़ा है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रूटिंग है। और इनका ये मानना है कि ये जो सेमनीस का तरबूज है खास, इसका सबसे बड़ा बात है कि साइज इसमें सब एक समान बने हुए हैं और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और जैसा महफूज भाई बता रहे हैं, ये मीठा भी बहुत अच्छा है। और इन्होंने बताया मार्केट में लोग इसको अच्छे से पसंद कर रहे हैं और जो इनका वेंडर यहाँ तक आता है गाड़ी से लेना, वो क्योंकि इनके पास कुछ ही लाइन लगा हुआ था तो ज़्यादा ये दे नहीं पाए, लेकिन उसने इनसे डिमांड किया कि ये अच्छा तरबूज है और सबसे बड़ी बात साइज़ और मीठापन भी इसका बहुत अच्छा है। महफूज भाई, रोग के बारे में क्या बोलेंगे? रोग वगैरह कैसा है? रोग बीमारी बस 2 बार दवाई लगाई, दो बार दवाई लगाई, यानी इन्होंने 75 दिन में 2 बार दवाई लगाई है। महफूज भाई, दूसरी कंपनी का भी आप लगाए हुए हैं, जी, इन दोनों में क्या अंतर दिखेगा, खास में और दूसरी कंपनी के तरबूज? दूसरी कंपनी वो लगाया रवि, ये है आपका खास, हाँ, उसमें फ़र्क इतना है कि वो थोड़ा साइज में 19 है, जी 20 है। यानी आप साइज अच्छा किसको मानते हैं? मानते हैं साइज। लगभग कितने किलो का होगा ये? जी हमारे हिसाब से 5 किलो का होगा। यानी ये 3, 3.5, 4, 5 किलो तक अपना खास तरबूज। और इसका शेप जो आप कैप्सूल बोलते हैं ना, कैप्सूल शेप, आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको सीधा करिए सुधीर, ये देखिए जो कैप्सूल शेप है, मार्केट में ज़्यादा इसका खिंचाव रहता है, डिमांड रहता है। और अगर जो आप किसी कंपटीशन वैरायटी में, तो थोड़ा गोलपन लिए होता है तो उसका खिंचाव मार्केट में कम होता है, क्यों सर? यानी आप कैप्सूल सही है। तो महफूज भाई, अगली बार आप सच में बताइए आपका क्या रुझान रहेगा इस? हमारा रुझान यही रहेगा सर, हम अगली बार कम से कम 100-150 ग्राम तरबूज लगाएंगे अपना खास तरबूज। चलिए महफूज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ अपने और आप भाइयों को भी आप बताएँगे। नमस्कार।